दस अपडेट को स्वागत करछु मुचिनमई प्रथमे हेडलाइंस स्किल इंडिया मिशन को पुरुछि 6 वर्ष युव वर्ग को संबोधित कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहिले स्किल इंडिया आत्मनिर्भर भारत आधार समारोह रे केंद्र शिक्षा और दक्षता विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित परलक्षमुंडी अतिरिक्त वन सुरक्षा अधिकारी सौम्यरंजन मृत्यु घटन नुआ मोड़ बापा एतला पर डीएफओ रोसिया और बहु नारे मामला रुजुकला पुलिस केमिति हला सौम्यों मृत्यु चली खोलता काली राज्य में सरुची आंशिक लॉकडाउन अवधि 25 जिले कोहल हो पारे कटकणा 5 जिले बलबत्तर रही पारे गाइडलाइन आज आसिबो निष्पत्ति दिन 2:30 रे मुख्य शासन सचिवों प्रेस मीट राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु आज 66 मुंड नहीं महामारी 24 घंटे 2110 पॉजिटिव मोट आक्रांत संख्या 947,869 को भुवनेश्वर एम्स को पूरला 9 वर्ष प्रतिष्ठा दिवस अटलजी प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण कले एम्स सभापति एक्मो मेसीन रहा उद्घाटन राज्य में पीएम आवास में महादुर्नीति अभोग पातर अंतर नीति विरोध में आसंका पश्चिम ओडिशा रे गर्जिबो बीजेपी संबलपुर में उत्तरांचल आरडीसी ऑफिस घेरिबो दल राज्यपाल उद्देश्य दिजो दावीपत्र शेषे आज महाप्रभु बनक लगे नीति श्रीजीवों श्रीमुख श्रृंगार करे दत्त महापात्र सेवक गुप्त सेवानीति होपराह चारि घंटा बंद रहा दर्शन एथर संपूर्ण खबर देशर युववर्ग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन स्केल इंडिया मिशन रो 6 वर्षर स्मृति चारण उद्देश्य एक समारोह आयोजन होई कौशल विकास देशर युवकों पर जरूरी स्केल इंडिया आत्मनिर्भर भारत आधार कौशल विकास देश जरूरी सब क्षेत्र में स्केल सम्मान करवा उचित बोली प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना माध्यम से 100 कोटी अधिक युवक को ट्रेनिंग दिजाऊ दुनिया सारा स्केल इंडिया आवश्यकता रही कोरोना समय स्केल को अति निकट देखाई जीए कुशल से आगक बढ़ आदिवासी समाज को एक प्रभावी माध्यम रे स्किल इंडिया जोड़ी प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर उपस्थित थे हमारे देश में हर स्किल हर शिल्प से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व रहा है। हमारे यहां शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, विवाह दिशु यज्ञशु गृह आराम विधायके सर्व कर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम्। अर्थात विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई और यज्ञ कार्य, सामाजिक कार्य हो, इसमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा, उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। विश्वकर्मा की पूजा यानी समाज जीवन में अलग अलग रचनात्मक कार्य करने वाले
काली सरुचि आंशिक लॉकडाउन एवं समस्त मन में प्रश्न अनलॉक हेबो कि 25 जिला अन्य 5 जिले किभली रहिबो नुआ गाइडलाइन तापर मध्य नजर रहिबो। राज्य में कोरोना संक्रमण कमी तेज खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज और पूरी स्थिति एवं चिंताजनक। कटक और खोर्धार संक्रमण कमु नथिबारु सरकार को फोकस रही दुईट जिला से बालेश्वर मयूरभंज में पॉजिटिविटी रेट अधिक रही दुई जिले बलबत्तर रहीपे कटका। एभली स्थित राज्य में कौन होपे अनलॉक फर्मूला निष्पत्ति पूरा राज्यवासी नजर रही। आज दिन 2:30 मुख्य शासन सचिव एने प्रेस मीट करेंगे। तेज कटक कोहल ना पूर्व भली पॉजिटिविटी रेट आधार में ए बी फर्मूला अपनाई पारती सरकार। 5 जिले में बलबत्तर रहीपे कटक। जुलाई 16 सरुची आंशिक लॉकडाउन यहां नजर रखी आसंता परवर्ती पदक्षेप संपर्क में घोषणा करती सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमण कमी भी खोर्धा कटक बालेश्वर मयूरभंज और पूरी स्थिति एवं चिंताजनक रही। तेज संपर्क में अधिक सूचना पाई सहित आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांति जोड़ी होती। दिव्य कौन रहीपे आगामी लॉकडाउन रूपरेख आज दिन 2:30 रे चीफ सेक्रेटरी सुरेश चंद्र महापात्र इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करवा आगामी कौन कटकणा रण कटकणा कोहल कर से विषय राज्यवासी को अवगत कराइबे संपूर्ण सूचना देवे जो थे विभिन्न प्रसंग वर्तमान आम आलोचना करमती देखूँ जे बस चलाचल गोटे सबुठ बड़ प्रसंग हो छिड़ा होती राज्यवासी चाहे बस चे बस चलाचल हो कि नहीं विशेषकर यातायात को सरकार सुगम करेंगे कि नहीं कारण पखापाखि अढ़ई मस धरी लोक मैंने जो कटका भितर रे कटक बंदी हो रे तो से दृष्टिकोण समस्त बर्तमान चेषा कर राज्य सरकार कटक कोहल करेंगे विशेषकर बी कैटेगोरी जो 10 जिला रही से 10 जिले सरकार कौन निष्पत्ति ने राज्यवासी नजर रही। जदि आम सरकारी सूत्र पर टे आलोचना करने जदि विचार विमर्श करवा देखूँ सरकारी सूत्र जहाँ सूचना मिलूँ हुए तो विशेषकर कटक भुवनेश्वर यहाँ टे अधिक फोकस कारण लगातार भाव में 2 रु 2.5 मास हे ये संक्रमित संख्या कमार ना धरनी सब प्रकार स्ट्राटेजी आपणापी के ना के सरकार सब स्ट्राटेजी फेल मारे एक कहे अत्युक्त होना जहाँ दृष्टि रखी सरकार निष्पत्ति नाक जाए विशेषकर कटक भुवनेश्वर सिटी अंचल ये अधिक फोकस र तो निहाती भाव में ये कटका कौन रोचे केत कटक कोहल करापर नजर रही समग्र राज्य विषय में आलोचना करवा जहाँ चर्चा आलोचना हो जहाँ सरकारी सूत्र सूचना मिलूँ हुए तो केवल नाइट कर्फ्यू को छाड़दे आउ समस्त जो कटक रही उठाई दिज्व अर्थात कटका को कोहल कर दिज्व केवल नाइट कर्फ्यू संध्या 6 रु 6 पर्यंत नाइट कर्फ्यू को लोक मैंने मानवाक पड़ो से सब कटक भितर लोक जीवन अतिवाहित करा पड़ो एवं आउ गोटे कथ देखु जो कथ कूर्व भाई जमी बह कहवा किंवा शेषकृत्य संपन्न समय जो कटका बलबत्त रखा कारण वर्तमान भी संक्रमण कमी ना कहूँगी एवं बालेश्वर मयूरभंज ये टीपीआर रेट बहुत रोचे तो से दृष्टिकोण से दुईट जगार अधिक सरकार गुरुत्व देते सहित जो बॉर्डर जिला गुड़िक रही सीमावर्त जिला गुड़िक रही जमीक नुआपड़ा हो बालेश्वर हो कि अन्य जो तमाम बॉर्डर जिला गुड़िक रही सरकार फोकस करेंगे कलाहांडी मालकानगिरी ये भाई तमाम जो बॉर्डर जिला से सरकार फोकस करेंगे विशेषकर जो बॉर्डर सिल तापर गुरुत्व दे पारे जदिव गत थर बॉर्डर सिल को संपूर्ण उठाई दिया किंतु एथर हुए तो पुणी बॉर्डर सिल उपर सरकार गुरुत्व देते आउ गोटे दिग्ना को आसूची जे जदि सरकार विकेंड सटडाउन को जारी न रखती तेरे सहरांचल विशेष चिंताजनक विषय होतीपाई विशेषकर सहरांचल गुड़िक विकेंड सटडाउन को लग जाए जमीक कटक भुवनेश्वर आप देखु तासत अन्य तमाम सहरांचल राउरकेला हो कि ब्रह्मपुर जो बड़ बड़ सहरांचल रही है ये विकेंड सटडाउन को लग जाए एभली किसी आकलन कराऊ गोटे आकलन जब आप देखिए जहाँ कहुची जे सरकार विशेषकर जो 6-4 पर्यटन अच्छी बी कैटेगोरी जिला गुड़िकाकू बढ़ाई देवे जहाँ सूचना रही अर्थात संध्या 6 पर्यटन ये सब कटका कोहल कर आउ गोटे कथा को आम जब अनुधान करवा जो भाई भाव में संक्रमण अर्थात संक्रमण हार सहित लोक मानकर मोबिलिटी यह सब दिग्वे सरकार गुरुत्व देखते जहाँ को दृष्टि रखी गोटे रिपोर्ट प्रस्तुत कराई आज ये रिपोर्ट को ठीक दिन 11:30 सुधा पठा जा चीफ सेक्रेटरी पाक चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट को संपूर्ण पर्यालोचना कर विषय अवगत होती से ही विषय ही जनइबे कौन रटक आगामी दिन में पाखापाखि 14 दिन 16 दिन पर्यंत ये कटक लागू कर प्रश्न आसुच्छे बस चलाचल सरकार किसी निष्पत्ति नहीं पारती कि
देखो निश्चित भाव में मुझे आप पूर्व सूचना दूसरी जो बस चलाचल नहीं सरकार आज किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति ने जाए तो समग्र राज्य में बस चलाचल करपे कारण पूर्व आप जानते बी कैटेगोरी जिलागुड़े बस चलाचल सरकार अनुमति देते जेहेतु बर्तमान ए कैटेगोरी सरी ए कैटेगोरी जिलागुड़े अनुमति देते बर्तमान बी कैटेगोरी जो दस जिला से अनुमति दी ना किंतु जेहेतु बी कैटेगोरी जिलागुड़े आप देखिए संक्रमण धीरे धीरे कमुच्छी केवल तीन रु चार जिला छाड़ी बाकी सब जगह संक्रमण कमी तो से दृष्टिकोण वर्तमान जो ए कैटेगोरी को बी कैटेगोरी किसी जिला जापे और पाखापाखि समग्र राज्य में कहीपर बस चलाचल स्वाभाविक हम किंतु जी सीट से लोक अनुमति मिले बस चढ़ापी ताठू अधिक लोक बस चढ़ी पारे ना और सानिटाइजेसन मास्क पिंधा सामाजिक दूरता एसब को लोक मान भितर बजाय रखा पड़ नचे बस न उठाई परामर्श दे पारती सरकार और आउ गोटे अटो रिक्सा कथ देखिए निहत भाव अटो रिक्सा आलाउ रोक मैंने अटो रिक्सा जावास करेंगे किंतु दुई जन अधिक लोक अटो रिक्सा बसीपारे ना ये किसी अनुमति दे पारती समग्र राज्य में राज्य सरकार जहाँ बर्तमान सरकार सूत्र सूचना मिलूँ निश्चित भाव में दिव्य कटक भुवनेश्वर कथ कहतु ए राज्य में अनेक बर्तमान जो पार्लर मालिक मैंने रही जिम सेन्टर मालिक एम अनेक दिन आंदोलन करुँचर दाबी जे कोविड गाइडलाइन भितर सरकार से अनुमति दिंतु जो निजर संस्था को खोली पारे कि बर्तमान सुधा कौन निष्पत्ति आसूरी कौन सूचना आसूरी जे एने सरकार किसी निष्पत्ति ने कि देखु जहाँ समस्त नजर थाए राज्यवासी नजर थाए विशेषकर पांच रु छटी कैटेगोरी जो रोचे आप देखते सिनेमा हल हो रेस्टोरेंट हो किंबा आपण देखु जिम्नासीयम हो स्विमिंग पूल हो एभली जो तमाम जगह रही है ये राज्यवासी नजर रही है सरकार यापर कौन निष्पत्ति नौकरी गत थर राज्य सरकार केवल सेलून को अनुमति देते बाकी पार्लर हो कि जिम्नासीयम हो सब कु बंद रखी थे से भली स्विमिंग पूल सिनेमा हल और जोटी इनडोर गैदरिंग अधिक होसब कु बंद रखी थे तो निहाती भाव में बर्तमान जहाँ सूचना मिली जदिव सरकार कौन स्पष्ट सिद्धांत पहुँची पा ना जिम्नासीयम विषय कौन करूँ पार्लर को हे तो अनुमति मिल पाए कि ताकि कहु संपूर्ण गाइडलाइन फॉलो करेंगे जो पार्लर हुए गाइडलाइन को फॉलो न करेंगे कार्यानुषानियाजी दृढ़ दृढ़ कार्यानुषानी सरकार परामर्श देवे और जोटी गाइडलाइन फॉलो करेंगे से पार्लर खोल जाइपरि आउ गोटे कथ देखु सिनेमा हल हो कि रेस्टोरेंट हो किंबा जोटी इंडोर गैदरिंग होमती कि सामाजिक सांस्कृतिक कि धार्मिक कार्यक्रम सेगुड़ सब बंद रखा मठ मंदिर हुए तो बंद रखा किंतु परिसर केवल जो ठाकुर रीतनीति चलीपर से किसी निष्पत्ति नाक सरकार जाऊँगी और सहित पूरी बर्तमान सरकार अधिक नजर रही है कारण जेहेतु रथयात्रा समय आउ पंदर दिन निहाती भाव गुरुत्वपूर्ण रोक पूरीवासी से पूरी को किभली अन्य जगार लोक मैंने जावास नकपारे तापर सरकार गुरुत्व देवे आउ गोटे कथ देखु जो मैंने बाहर आसुँच विशेषकर केरल और महाराष्ट्र संक्रमण बढ़ला से दृष्टिकोण एयरपोर्ट और जो देखिए बस स्टैंड हो जो भी आसपटे आसमें रोक लगे टेस्टिंग क्वारंटाइन सेंटर को अणा ए सब दिग्गर में सरकार आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पारती कारण केरल महाराष्ट्र हो विदेश किसी जगार संक्रमण बढ़ुच्च से सब जगह जो आसान सरकार को अधिक नजर रही है कारण से पूर्व भाई किभली संक्रमण कारण न पलटे संक्रमण किभली नपटे सरकार से दिग्गर आज निष्पत्ति आगामी रूपरेख यहाँ राज्यवासी नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य आपंकर तमाम सूचना पाई। राज्य में थमुनी कोरोना मृत्यु पुणी 66 मुंड नहीं महामारी यासह गत 24 घंटा मध्य राज्य में 2110 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती एम 1213 जन संगरोध केन्द्र चिन्हट होता बेले स्थानीय संक्रमण 897 जन पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धार सर्वाधिक 458 जन आक्रांत होती गत 24 घंटा मध्य कटकु 323 बालेश्वर 168 भद्रकु 79 केन्द्रापड़ 135 केन्दुर 66 मयूरभंज 99 नयगढ़ 74 सुंदरगढ़ 62 स्टेटपुर 87 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती राज्य में मोट 9,49,752 जन पॉजिटिव चिन्हट होता बेले 9,47,869 जन सुस्थ होती राज्य में एवं 22,299 जन सक्रिय संक्रमित रही।
आसे परवर्ती खबर को पारलाखेमुंडी अतिरिक्त वन सुरक्षा अधिकारी सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु घटन नुआ मड़ बापा एतला परे डीएफओ रोसिया और बहु नारे मामला रुजुकला पुलिस घटन पारलाखेमुंडी डीएफओ रोसिया गार्ड और पत्नी षड्यंत्र जो सौम्य मृत्यु होता अभियोग आनी सौम्य बापा डीएफओ और सौम्य पत्नी मिलमिशी षड्यंत्र कर सौम्य मारिदेव से अभियोग कर सौम्य बापा अभियोग अनुसार डीएफओ सौम्य पत्नी अनैतिक संपर्क रखा विभिन्न समय चेष्टा कर एथिपाई सौम्य को राति समय रे ड्यूटी पकाउथिले फोन करे सौम्य एक आगर जनाइथिले बोली सौम्य बापा अभियोग करिछन्ते। बड़ कथा होछि रोसिया गार्ड एवं सौम्य पत्नी मिलित भावे षड्यंत्र करी सौम्य को हत्या करिछन्ति बोली अभियोग आनिछन्ति सौम्य बापा। देखंतु प्रथम कथा हला मोर युव सहकर्मी तथा मोर सान भाई भलिया सौम्यर मृत्यु रे मु गभीर भावे मर्माहत एवं ताठ बेसी दुख देती जहाँ आपण मैंने कहले मो ना कि गोटे अभियोग आसी बोलिकी जदि अभियोग कौन से सत्यता थाए तो पुलिस तार तदंत करेंगे और जी दोषी अच्छे से दंड पाए। देखो सौम्य बाबू एठार फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एसीएफ हिसाब से कम करते जंगल सुरक्षा विभिन्न वन विभाग अधिकारी मैंने दिन रात पेट्रोली करती तो सी जेहतु फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एसीएफ थे निश्चित रूप पेट्रोली जाते एवं से कौन ड्यूटी करते आम कौन ड्यूटी करूँ आम पेट्रोलींग से सब विषय आम गाड़ी जो लॉगबुक अच्छी से लिपिबद्ध होकर रही ये अभियोग जी भी कर तो जाणी ना किए करे भी कर संपूर्ण रूपे मानसिक भारसाम हर बस से अभियोग कर अभियोग कौन सत्यता ना एवं तदंत होगा यार सब सत्य बाहरी आम देख लु मुह चुटी अच्छी मुह आते सब पड़ जा तेणु आम सन्देह है जे बहु तर जे रोष कर गार्ड प्लस फरेस्टर ना डीएफओ एम मिसिक चक्रांत करी मो पु को मारदे मुझे क्राइम ब्रांच तदंत होगा मीडिया मान को अनुरोध कर मैंने डीएफओ पाखु आरंभ करी एसीएफ डीएफओ से वाचमैन जे रोष करुला जन खाऊ सब कहीं गोटे नुआ बाहरी नव दंपति घरे जाकि आडा जमेवा यहाँ मानने गोटे सुस्थ परेश ठीक लगुनि आटा जस्टिफाए जिनस भी नुह सभ्य समाज प्रति एटा गोटे मानने गोटे निर्मम भाव मो भाई की आईदर विष दिया कि मारी दिखाई पोड़ दिखाई ना अचेत अवस्था करी पोड़ दिखाई ना भाई सुई बेल किरोसिन ढाक निआ लगे बाहर कबार दे दिखाई जहाँ भी ईर कर संपर्क में अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन रे जुड़ी होती प्रतिनिधि जितेंद्र बारिक कि जितेंद्र पुलिस वर्तमान कौन रिएक्शन रखुचे निश्चित भाव चिन्मय गोटे कथा कह पुलिस बर्तमान एवं गोटे बैट देखी जहाँ से डीएफओ डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा एवं तांकर वाइफ दिव्या ज्योति पंडा एवं तांकर जो रोसे जो करते कुके जो कुकिंग करते रोसेया को नाम एतला रुजु कर पालखेम थाना एवं से तदंत भार दुई दिन पर तदंत कर गोटे कथा जदि कथा कह जो रूम को सिल कर से सिल करा चाबी पुलिस पाखे ना पुलिस पाखे ना जो से दिव्या बार जो स्त्री थे हाथ में से चाबी दे दी कि पुलिस कहते सिल कर चिन्मय तेरे जितेंद्र गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे तांको पत्नी वर्तमान केउठी अछंती तांकर किछु प्रतिक्रिया हस्तगत होची कि चिन्मय वर्तमान तांकर स्त्री जे अछंती से वर्तमान तांकर मां घर चली आइछंती पाळेखेमुंडे जो घरे रहउथिले सरकारी बासभवन रे से बासभवन को चाबी पडीची एवं सील मध्ये अछि पुलिस जहाग सूचना दउची एवं से डीएफओ एवं तांको स्त्री एवं रोसिया जे थिले तांको नारे मामला रुजु होईची पुलिस जहाग सूचना दउची चिन्मय बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपण तमाम सूचना पाई। तबे आज वाराणसी गस्त कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा सख नजर पकेबा से दृश्य पर मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें अभिनंदन करें और आप सब अपनी भावनाओं के पुष्प जोरदार तालियों के माध्यम से मंच तक पहुंचाएंगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, नया उत्तर प्रदेश है जो उम्मीदों को बोझ नहीं मानता बल्कि उसे सफलता का आधार मानता है।
ये नया उत्तर प्रदेश है जो प्रतिभा को प्रोत्साहन देता है और उनके स्वप्नों को साकार करने के लिए अवसर और संसाधन मुहैया कराता है। ये नया उत्तर प्रदेश है जो नित नवीन कीर्तिमानों को रचने की सामर्थ्य रखता है। नए भारत के इस नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री अनिल राजभर जी, डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला और महानगर के पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर काशी के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं प्रदेशवासियों की ओर से और आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी ने देश और दुनिया के सामने अपनी जो नई पहचान बनाई है, इस नई काशी जो अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए विकास की नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वह नई काशी आज स्मार्ट काशी के रूप में प्रदेश, देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बनी हुई है। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा आज काशीवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। विगत 16 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है। इस महामारी के इस पूरे कालखंड के दौरान पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को जो योग्य मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मिला, दुनिया के तमाम देशों में न केवल उसकी सराहना हुई बल्कि लोगों ने उसे आत्मसात भी किया। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद महामारी के इस कालखंड में काशीवासियों के साथ निरंतर संवाद, काशी की निरंतर चिंता और काशी के विकास के इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन आज एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी की लगभग 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए हमारे बीच में बाबा विश्वनाथ की इस पावन नगरी में
देश की इस सांस्कृतिक राजधानी में अपना मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले 7 वर्षों के दौरान काशी में 10,300 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और लगभग 10,284 करोड़ रुपए की योजनाएं वर्तमान में गतिमान हैं। काशी जिन बातों के लिए तरसता था, आज वो काशी अपने एक नए रूप में देश और दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बन रही है। स्वास्थ्य का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, शिक्षा, पेयजल, हर एक क्षेत्र से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके कर कमलों से यहां पर संपन्न होने जा रहा है। अपनी तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यस्तताओं के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपना समय अपने संसदीय क्षेत्र के लिए निकाला और समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब काशी आते हैं तो हम सब आह्लादित हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। हम उन्हें माननीय प्रधानमंत्री के रूप में या माननीय सांसद के रूप में ही नहीं देखते, बल्कि हम उन्हें अपने अभिभावक और संरक्षक के रूप में भी देखते हैं और इसीलिए वो हमेशा बहुत सारे उपहार लेकर आते हैं। आज भी लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार लेकर वो आए हैं, जिसमें से 205 परियोजनाएं जिनका वो शिलान्यास करेंगे और 78 परियोजनाएं जिनका लोकार्पण करेंगे। ये सारी परियोजनाएं शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यटन, यातायात, परिवहन, आवास से जुड़ी हैं, जिससे काशी की तस्वीर भी बदलेगी और काशी निवासियों की तकदीर भी बदलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर इन समस्त परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। बटन दब गया और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण, लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। हम आपको बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी रुद्राक्ष जाएंगे और वहां विधिवत उसका शुभारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इन समस्त योजनाओं से काशी की तस्वीर और तकदीर तो बदलेगी ही, साथ ही पूर्वांचल क्षेत्र भी विकास से परिपूरित होगा, समृद्ध होगा। इन्हीं योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हम सब ने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं। काशी के सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में धर्म और आध्यात्म की नगरी में विकास की अविरल धारा बह रही है। प्रधानमंत्री जी के संकल्प एवं अथक प्रयासों से
7 वर्षों में इन विकासोन्मुख परियोजनाओं ने काशी वासियों का जीवन बेहतर बनाया है। इस कड़ी में आज काशी को पूर्ण हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। 210 करोड़ की लागत से पूर्ण परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष, गोदौलिया मल्टी लेवल टू व्हीलर पार्किंग एवं शहर के 4 प्रमुख पार्कों का सौंदर्यीकरण प्रमुख है। 193 करोड़ 37 लाख की लागत से पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का सुदृढ़ीकरण, वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन का ऊपरगामी सेतु का निर्माण एवं 18 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण के साथ मरम्मत का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। आमे संबलपुर जो प्रधानमंत्री आवास योजना महाघोटाला को लेकर जो बीजेपी पक्षर आंदोलन कर स्थल को आसचु आप देखुले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जो भाई बार्ता रखुला बर्तमान आम अच्छा बर्तमान आम संबलपुर चित्र आप देखू संबलपुर जो रही बीजेपी पक्षर RDC अफिस् घेराव कहीं जो भाई भाव प्रधानमंत्री आवास योजना महाघोटाला को लेकिन बीजेपी आज पश्चिमांचल समस्त बीजेपी विधायक अच्छा सांसद अच्छा आप देखुए जो संबलपुर RDC कार्यालय घेराव कर ये हूँ संबलपुर RDC अफिस् कार्यालय सम्मुखर दृश्य आप देखुए संबलपुर सांसद बरगढ़ सांसद अंपटे रेंगाली विधायक लुसिंगा विधायक प्रमुख विधायक जो पश्चिमांचल अच्छा प्रमुख विधायकगण रही सांसद रही बीजेपी कर्मी रही कहीं जो भाई अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ ओडिशा को आसला ये आवास योजना पूरापूरी घोटाला रही याकु नेकी आज बीजेपी संबलपुर जो RDC अफिस् रही RDC कार्यालय को घेरा करेखुए जे पश्चिम ओडिशार अनेक विधायक अच्छा सांसद अच्छा समस्त उपस्थित अच्छा सीधा सल प्रतिक्रिया रखा जेहेतु कि ये दाबी रोचे प्रधानमंत्री आवास योजना को राज्य सरकार जो भाई भाव जो अवहेला करते जो प्रकृत हिताधिकारी को घर दि जाए ताकू नहीं कि ये आंदोलन हो प्रतिक्रिया रखा कौन रही आज्ञा देखु प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं आज आप घेराव कर आंदोलन प्रधानमंत्री आवास पचार बुझे ना पटेल सिंह विधायक पश्चिम ओर विभिन्न जिलार जो रोज बीजेपी विधायक संबलपुर सांसद प्रमुख सांसद प्रमुख विधायक बीजेपी कर्मी पूर्वतन विधायक देखते जो भाई भाव जो प्रधानमंत्री आवास योजना पश्चिमांचल सरकार जो तर मनोभावे अवहेला करते नहीं कि आज बीजेपी प्रतिवाद कर प्रतिक्रिया ना प्रमुख नेता देखुए बीजेपी प्रतिक्रिया पचार बुझे कौन रोचे आज्ञा कौन कहे देखु आज कौन कहे आज प्रधानमंत्री आवास योजना कि घोटाला कि पूर्व ब्लॉक स्तर में आंदोलन होता है RDC अफिस् घेरा हम तो दिल्ली रे भारतीय जनता पार्टी सांसद माने विभागीय मंत्री सांगे साक्षात ओडिशा रे जो प्रधानमंत्री आवास योजना घर आवंटन रे अनियमितता एवं पातर अंतर विरुद्ध रे दाबीपत्र देते केन्द्र सरकार गोटे उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल पठाई तदंत करने 5 जिले में 9 सब डिविजन रे विभिन्न आवंटित घर तदंत कराइला से जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया से रिपोर्ट रे उल्लेख अच्छी जे ओडिशा रे प्रधानमंत्री आवास योजना घर आवंटन रे व्यापक अनियमितता जो माने SEBC तालिका रे नहांती जो माने योग्य हिताधिकारी नुहंती जो मानकर सरकारी दल सांगे निविड़ संपर्क अच्छी तालिका रे नथिबा सत्वे सेवान को दिया अन्य पक्ष रे जो माने तालिका भुक्त जो माने गरीब जो मानकर निजस्व बास घर नहीं सेवानकर तालिका रे थिबा सत्वे सेवान को घर मिली ना एक द्वितीय विषय हला जे जो मानको घर आवंटित करा होची से मानको थारु प्रत्येक हिताधिकारी मानको थारु पैसा संग्रह करा होची 10,000 to 20,000 टंका पर्यंत हिताधिकारी मानको थारु लांच करे पैसा संग्रह होची तृतीय रे जो माने ठीक समय रे घर तयारी समाप्त करछंती तांको जो बोनस मिलवा कथा से बोनसटा सरकारी अधिकारी माने
पकेटस्थ करुछन्ती सामग्रिक भावरे प्रधानमंत्री आवास योजना ओडिशा रे बाटबणा हिची ताकू प्रतिवाद करिया पई एवं गरीब लोकों को गृह आवंटन रे अनियमितता बंद करिया पई जो माने अनियमितता करिसंती दुर्नीति करिसंती तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यस्थान ग्रहण करिया पई आज भारतीय जनता पार्टी रो लंबे समय बाद आप सब लोगों से सीधा मुलाकात का अवसर मिलल हो। काशी के सभी लोगन के प्रणाम। हम समस्त लोग के दुख हरे वाले भोलेनाथ माता अन्नपूर्णा के चरण में भी शीश झुकावत है। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के यशस्वी ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और बनारस के मेरे भाई और बहनों, आज काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। बनारस के विकास के लिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ महादेव के आशीर्वाद और बनारस की जनता के प्रयास से ही जारी है। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। बहनों और भाइयों, बीते कुछ महीने हम सभी के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। वरना यूपी के लोगों ने वो दौर भी देखा है जब दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों का सामना करने में यहां कितनी मुश्किलें आती थी। पहले के दौर में
स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इच्छा शक्ति के अभाव में छोटे छोटे संकट भी यूपी में विकराल हो जाते थे और ये तो 100 साल में पूरी दुनिया पर आई सबसे बड़ी आफत है, सबसे बड़ी महामारी है। इसलिए कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मैं काशी के अपने साथियों का, यहां शासन प्रशासन से लेकर कोरोना योद्धाओं की संपूर्ण टीम का विशेष रूप से आभारी हूं। आपने दिन रात जुटकर जिस प्रकार काशी में व्यवस्थाएं खड़ी की वो बहुत बड़ी सेवा है। मुझे याद है कि आधी रात में भी जब मैं यहां व्यवस्था से जुटे लोगों को फोन करता था तो वो मोर्चे पर तैनात मिलते थे। कठिन समय था लेकिन आपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सभी के ऐसे ही कार्यों का नतीजा है कि यूपी में हालत फिर संभलने लगे हैं। आज यूपी कोरोना की सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाला राज्य है। आज यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला राज्य है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन, इस अभियान के माध्यम से गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, नौजवान सभी को सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। बहनों और भाइयों, साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में तैयार हो रहा है वो भविष्य में भी कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद करने वाले हैं। आज यूपी में गांव के स्वास्थ्य केंद्र हो, मेडिकल कॉलेज हो, एम्स हो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। 4 साल पहले तक जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है।
कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है।